भारत का एक ऐसा महापर्व जो कि न केवल आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि यह हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने की भी सीख देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छठ पूजा की। आइए जानते हैं इस पावन पर्व के बारे में और समझते हैं कि कैसे यह पर्व हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। छठ महापर्व हर साल दो बार आता है, एक बार चैत्र मास और दूसरी बार कार्तिक मास में। यह पर्व चार दिनों तक चलता है और इसमें सूर्य देवता और छठी माता की आराधना की जाती है। छठ पूजा की खास बात यह है कि इसमें शुद्धता और सात्विकता का विशेष महत्व है। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाय के साथ होती है, जिसमें व्रती शुद्धता को ध्यान में रखकर शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। खरना के दिन पूरे व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ और चावल से बनी खीर का प्रसाद तैयार करते हैं। छठ के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है। व्रती नदी किनारे खड़े होकर गाय के दूध और जल से अर्घ देती हैं। छठ के अंतिम दिन व्रती उदयमान सूर्य को अर्घ देती हैं और अपने व्रत का समापन करती हैं। आपको बता दें, छठ पर्व में प्रति 36 घंटे निर्जला उपवास रखती हैं महिलाएं, जो कि काफी कठिन होता है। इस पर शुद्धता का खास ध्यान रखना पड़ता है। वही कोई भी मनोकामना के लिए अगर भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है तो उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। महिलाएं संतान प्राप्ति और संतान की दीर्घायु उम्र के लिए छठ पर व्रत रखकर माता छठी की आराधना करती हैं। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो मनुष्य जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही तीन ऋण उसके ऊपर रहते हैं, तो एक जो पितृऋण है इससे मुक्ति पाने के लिए आपके घर में वंश होना अति आवश्यक है। और जब आप छठ व्रत करेंगे, यह सर्वविदित है कि सूर्य भगवान की आराधना करने से वंश की वृद्धि होती है। यदि आप संतान के इच्छुक हैं, आपके घर में संतान की कमी है, तो सूर्य आराधना प्रारंभ करें। सूर्य भगवान की कृपा से निश्चित आपको संतान होगी। तो आराधना क्या है? सूर्य भगवान जिस प्रकार की आपके घर में जो छठ के व्रती होते हैं उस व्रती की तरह ही आपको नियम पालन करना है। नहाय खाय के साथ जैसे छठ व्रती व्रत प्रारंभ करते हैं उसी प्रकार से आप भी व्रती के साथ रह करके छठ व्रत को नहाय खाय के साथ प्रारंभ करें, खरना करें। और जिस दिन पहला अर्घ होगा, सायंकालीन अर्घ होगा, उस दिन आप निराहार रह करके घर से व्रत के जहाँ जिस घर में व्रत होता है उस घर से आप दंड देते हुए यानी दंडवत करते हुए आप जिस घाट में आपका अर्घ पड़ता है उस घाट में आप जाएं। और उस घाट में जाने के बाद आप जब तक अर्घ पड़ेगा तब तक अर्घ के समय आपको हाथ जोड़ करके सूर्य भगवान से यही निवेदन करना है, हे सूर्य भगवान, आप हमारे वंश में एक पुत्र दीजिए। पुत्र की याचना करना है, तब तक खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके मन ही मन याचना करना है, सूर्य भगवान हमें एक पुत्र दें, जिससे जब मेरा पुत्र होगा, पुत्र बढ़ेगा तो आपकी पूजा भी बढ़ेगी। इस मन में धारणा करके आप मन्नत बना करके सूर्य भगवान से वही याचना करें। और प्रातःकालीन जब अर्घ होगा तो उस समय भी वही नियम करते हुए आप सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करें। तांबे के लोटे लें, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालें, केसर युक्त चंदन होना चाहिए, लाल केसर युक्त चंदन उस लोटे में डाल करके और एक फूल उड़हुल का लें, लाल फूल लेकर के सूर्य भगवान को नदी में अर्घ दें और अर्घ दे करके यही याचना करें कि प्रभु हमारे वंश में आप एक पुत्र प्रदान करें, मैं आगे से छठ व्रत करूंगा। ऐसा नियम करके आप यदि याचना करते हैं तो अगला छठ तक आपकी मनोकामना निश्चित रूप से सूर्य भगवान पूरा करेंगे। यह विश्वास के साथ
आप उनसे याचना करें तो निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। देवघर के ज्योतिष आचार्य बताते हैं कि छठ पूजा के दिन भगवान सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया का पूजन किया जाता है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। वहीं निसंतान दंपति भी संतान प्राप्ति की कामना से ये व्रत करते हैं और मान्यता है कि छठी मैया के आशीर्वाद से उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। छठ पर्व की शुरुआत में नहाए खाए से होती है और फिर अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण होता है। अगर आप भी छठ महापर्व मना रहे हैं तो पूजा के दौरान छठी मैया की आरती अवश्य करें। इससे छठी मैया प्रसन्न होती है और हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लोकल 18 देवघर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी ज्योतिषाचार्य अनुसार है, लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।